हेलो एवरीवन। तो आज मैं अपने यूट्यूब की वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ काफ़ी टाइम बाद। पहले वाली वीडियोस भी मतलब काफ़ी पहले रिकॉर्ड की थी, तो मैंने सोचा चलो फिर से कंटिन्यू करते हैं, इस बार अच्छे से करते हैं। तुम ये एक ड्राइंग है, पोर्ट्रेट है दो लोगों का जो मैं बना रही हूँ, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये है फोटो। बियर्ड बनानी है, इस वजह से मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। इसमें क्या रहता है कि हमें शार्प लाइंस चाहिए रहती हैं बहुत ज़्यादा, तो इस नॉर्मल पेंसिल हो गई जैसे ये हो गई, आप इसको कितना ही शार्प कर लोगे, चलो मान लिया आपने कर लिया, तो दो तीन स्ट्रोक के बाद ना ये फिर से मोटी हो जाएगी, इस वजह से हमें ये मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करनी चाहिए। यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए हमें बाल ना स्ट्रोक्स दिख रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो हम यहाँ पे एक बेसिक ब्लैक कलर का मतलब ब्लैक कर देंगे 10B से, बट वो डायरेक्टली 10B से नहीं होगा, हमें पहले उसके लिए बेस क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब लेयर्स में, जैसा मैंने बोला था ना लेयर्स में काम करने के लिए, तो वही करेंगे हम डायरेक्टली। जैसे कि मान लीजिए डार्क शेड है, तो हमने डार्क एच मतलब हमने डार्क पेंसिल उठा ली, फिर हमने घिस दिया, तो ये सही नहीं होगा, हमें हमेशा लेयर्स में करना चाहिए। जैसे अब हमने HB से तो कर दिया था, अब हम आएंगे 2B पर। तो अभी हमें ये वाला पोर्शन बनाना है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया इस वजह से क्योंकि इन्होंने ग्लासेस पहने हुए हैं, तो यहाँ पे शेडो आ रही है और जगह बहुत कम है हमें अपनी शेडो क्रिएट करने के लिए, तो लेट्स सी कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे बेस तो दे चुकी हूँ, ठीक है? अभी क्या करना है हमें, इस वाली जो लाइन है ना, ये वाली, इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे। 4B से करते हैं क्योंकि हम 2B इसमें पहले यूज कर चुके हैं। Thank you.
Thank you.
Thank you.
तो फाइनली हमारा पोर्ट्रेट कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे लास्ट में अपने सिग्नेचर करेंगे। ओके, तो जो हमने अभी ये जो ग्रिड बनाई है इसको हम लास्ट में इरेज कर देंगे और फाइनली हमारा पोर्ट्रेट कंप्लीट हो जाएगा।